करके बहुत पछता रही हूँ क्योंकि इंडिया में मिल ही नहीं रही है मुझे अच्छी वाली। एक्चुअली यहाँ पे ना 20x20 इंच का अगर आप कुशन ले लेते हैं ना, जैसे मैंने ले लिया है, तो उसका कुशन कवर मिलता ही नहीं है। मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कुछ मिल रहा है और मुझे पसंद आ जाए। 20x20 ही क्यों डिसाइड किया था, ये भी मैंने डिजाइन फेज में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं जो कुशन लूंगी वो 20 वाला ही लूंगी, स्पेशली यहाँ पे बेंच के लिए। उसका रीजन ये था कि ये जो आप देखते हो एक कैबिनेट यहाँ पे है और मेरा ये क्रॉकरी यूनिट है, तो और इसके बीच में ये बेंच पड़ता है, तो बेंच से लेकर के इसकी जो हाइट 20 इंच की है, तो मुझे ऐसा करना था कि जब ये बेंच पे मैं कुशन्स रख लूं तो उसकी जो हाइट है वो सिमेट्री में आ जाए, तो दोनों कैबिनेट और कुशन मिला करके वो पूरा एक फ्लो में जाए और सिमेट्री लगे। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया था और मुझे थोड़े से अफोर्डेबल रेट्स में मिल रहे थे सेट ऑफ टू में, पर इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए अंदर से कैसे रुए रुए इसके निकल जा रहे हैं। ये जीन्स मटेरियल टाइप का है, ये भी मैंने एक्चुअली अमेजोन से लिया था। मैंने कहा ना कभी कभी मिल जाता है पसंद का, फिर मोस्टली नहीं मिलता है, पर लकीली ये बहुत अच्छा निकला। एक तो इसका देखिए जिप ऐसा है कि मिलेगा ही नहीं जिप का है, जैसे मुझे भी ढूंढना पड़ रहा है। हाँ यहाँ पे जिप है, देखिए इतने अच्छे से इन्होंने सिलाई की है ना, ये वाला क्वालिटी अच्छा है। ये सिंथेटिक मटेरियल टाइप में है तो इसमें रुए नहीं निकलते हैं, आप कितना भी यूज कर लो, पर वो वाला एकदम ही खराब है। आगे बढ़ने से पहले चलिए आपके साथ में यहाँ पे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर कर लेती हूँ। फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड, ये वाला सेगमेंट मिस मत करिएगा। तो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में वाओ स्किन साइंस का एक फेस वॉश और एक मॉइस्चराइजर जो है ग्रीन टी बेस्ड। इन केस आपको परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, वहां से आप खुद के लिए परचेस कर सकते हैं। जब भी आप मेरे रिकमेंडेशन में कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपनी स्किन पे, तो पहले पैच टेस्ट जरूर कर ले। ये है वाओ स्किन साइंस का ग्रीन टी फोमिंग फेस वॉश। ये आता है बिल्ट इन ब्रश के साथ जो डीप क्लींजिंग में मदद करता है। ये फेस वॉश आपकी स्किन को प्यूरिफाई करता है और चेहरे से डलनेस को रिमूव करके स्किन रेडियंस और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ ये स्किन को हाइड्रेट भी करता है, फाइन लाइंस को भी ये रिड्यूस करता है आपके स्किन पे, ओवरऑल स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और जो आपके चेहरे पे रेडनेस और इरिटेशन आ जाती है उसको भी ये रिड्यूस करके आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और ड्राई स्किन को नरिशमेंट देता है। ये है वाओ का ग्रीन टी बेस्ड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये स्किन को नरिशमेंट देता है, इसे आप ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन में एक्सेस सीबम को बैलेंस करता है और स्किन डैमेज को रिपेयर करता है और बहुत ही इजीली ये स्किन पे एब्जॉर्ब भी हो जाता है, जिसकी वजह से एक ऑयल फ्री लुक आती है। तो जब भी आप फेस वॉश करें उसके बाद आप इस मॉइस्चराइजर को अपने स्किन पे ज़रूर अप्लाई करें। तो मेरी एक फ्रेंड है, उनका ना घर बन रहा है, तो प्रॉपर वो मतलब ड्यूप्ले टाइप का बनवा रहे हैं, इंडिविजुअल जो घर होता है वैसा, तो आर्किटेक्ट से बनवा रहे हैं और वही आर्किटेक्ट जो है वो उनका इंटीरियर भी करके देगा। तो ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्ट होते हैं जो आपको टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हैं कि वो आपका आर्किटेक्चर भी करेंगे और वो आपको इंटीरियर करके पूरा रेडी करके देंगे, तो वैसा वाला उसने ऑप्ट किया है। तो अभी उसका ओवरऑल जो घर का लेआउट वगैरह है वास्तु के हिसाब से वो सब उसने डिसाइड कर लिया, तो कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। तो उसने मुझे फोन किया था तो कह रही थी कि अब तुमसे मुझे आइडिया लेना है कि मुझे क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए, मतलब अच्छा खासा बजट वो लोग इसमें लगा रहे हैं काफी ज्यादा, तो तुम्हें क्या लगता है क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिससे घर ओवरऑल अच्छा लगे, क्या क्या चीजों पे मुझे इन्वेस्ट कर ज्यादा करना चाहिए, किन चीजों पे मैं नहीं करूं। तो मैंने उसको ना, और मैं आपको भी इसलिए बता रही हूं कि सबसे पहले ना आपको घर का जो कार्कस है ना उस पे वर्क करना चाहिए, मतलब सबसे पहले जो बेस चीजें हैं घर की जिसकी वजह से घर आपका प्रीमियम लगता है, अगर वहां पे कंजूसी हो गई या वहां पे सिलेक्शंस में गड़बड़ हो गया ना, तो बाद में कितना भी लाइटिंग कर लीजिए या वुडवर्क कर लीजिए लुक नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं यही सजेशन देती हूँ कि टाइल्स पे ध्यान दीजिए और घर के वॉल कलर्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपका टाइल्स जो है वो अच्छा रिफ्लेक्टिव सर्फेस है, बड़े साइज का है, व्हाइट कलर में है, ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो घर आपका ऑटोमेटिकली बड़ा भी लगता है और फिर उसमें आप जो भी चीजें वुडवर्क वगैरह कराएंगे वो अच्छा दिखेगा। दूसरा, वॉल पेंट बहुत मैटर करता है, तो बहुत लोग वॉल पेंट में पूरा मेस्टअप हो जाते हैं, डार्क कलर कर लेंगे, टेक्सचर पेंट में चले जाएंगे, कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाएगा और वो बहुत लुक को अपलिफ्ट या खराब कर सकता है। तो वॉल पेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जो आपके टॉयलेट मतलब जो भी आपके बाथरूम में जो भी फिटिंग्स होती है, ये सब चीजें घर को प्रीमियम दिखाती है, तो सबसे पहला ये होता है। तो जो लोग फ्लैट में रह रहे होते हैं उनके हाथ में तो ये सब चीजें है नहीं, पर जो अपना इंडिविजुअल घर बनाते हैं ये चीजों पर पहले आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने अपने घर का ये सारा चीज पहले बदल दिया, तो टाइल्स हो गया, बिल्डर जो दे रहा था वो अलग क्वालिटी का था, अलग चीजें थी, तो सबसे पहले मैंने बेस लेवल पे यहां से स्टार्ट किया कि हाँ इसको पहले मैं चेंज करूं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है ऑब्वियसली, आप जो वुडवर्क प्लान करते हैं तो वो कंटेम्पररी होना चाहिए, आजकल के
जमाने में बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि भारी वुडवर्क करा लिया आपने, और उसके बाद आता है कि हैंडललेस डिजाइन होना चाहिए। अगर हैंडललेस रहेगा तो घर आपका सीमलेस दिखेगा। तो ये सब बेस लेवल पे है जो आपको आपके इंटीरियर डिजाइनर से बात करना चाहिए या उसको आपको बताना चाहिए कि आजकल ये ट्रेंड में है, इससे आपका घर ना सीमलेस दिखता है। लोग अलग 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 हैंडल्स लगवा लेते हैं तो वो लुक को बहुत हद तक खराब करता है, और अगर सिलेक्शन खराब होगी हैंडल्स की तो पूरा ही खराब हो जाता है। फिर कई बार तो ऐसा होता है किचन में सिर्फ हैंडल्स दिख रहे होते हैं, मेरे साथ तो ऐसा होता है कोई किचन में बहुत ज्यादा हैंडल्स यूज हुआ है तो मैं तो मुझे तो बस वही पहले दिख रहा होता है और तो कुछ दिखता नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है जब आपने वुडवर्क करवा लिया, वुडवर्क आपका हो गया, तो फर्निशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए स्पेशली सॉफ्ट फर्निशिंग के लिए आपको थोड़ा बजट रखना चाहिए। कर्टेंस हो गए, आपके बेडशीट हो गए, आपके कुशन कवर्स हो गए, ये सब चीजों ना घर को फैब्रिक जो है वो घर को एक वार्म्थ देता है, वुडवर्क से वार्म्थ नहीं आता आपके घर में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ऑब्वियसली आर्टिफैक्ट्स, तो जो जिसको जैसा अच्छा लगता है, कम ज्यादा जो भी है, तो थोड़े बहुत घर में आर्टिफैक्ट्स से आपका कुछ कैरेक्टर आप ला सकते हो, तो वो लाना बहुत जरूरी है। उसमें मैंने आपको लेयरिंग टेक्निक्स वगैरह बताया है, तो बहुत इनएक्सपेंसिव वे में आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कुछ महंगा खरीद लो। और जितना घर में, ये मैं सबको बोलती हूँ पर बहुत लोग इंडिया में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता है, छोटी 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 जितने आर्टिफैक्ट्स आप घर में जमा करेंगे, एक तो वो मेंटेन करना डिफिकल्ट है और वो बहुत ही क्लटर मतलब लगता है, काफी लोगों को वो अच्छा लगता है कि मेमोरीज हैं, हम यहाँ गए तो वो लाए, पर एज अ सिर्फ अगर मैं एज अ इंटीरियर डिजाइन पर्सपेक्टिव से बताऊं तो नॉट एज अ इमोशनल वे, तो वो बहुत क्लटर लगता है। इससे अच्छा बड़े पीसेस लो, स्टेटमेंट पीसेस लो, वो जितना ज्यादा आप एक पीस एक दीवार पे रखोगे या बड़ी चीजें लोगे वो उतना घर को हाईलाइट करती है, कैरेक्टर आता है, उतना घर आपका अच्छा दिखता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो छोटे 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 शो पीस सजा दिए। वो पहले जमाने में बहुत होता था, लोग शोकेस में रखते थे, पर अब वैसा डिजाइन नहीं रहा, मतलब मेंटेन करना भी आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। और जितना सटल कलर्स में आप जाओगे, उसको थोड़ा सा डीप कलर से बैलेंस करोगे, उतना अच्छा लगेगा। ये सब छोटे छोटे टेक्निक्स है जिससे ओवरऑल घर आपका अच्छा लगता है, और इसमें से जहां एक लेवल पे आपने गलती की वहीं घर का लुक चेंज हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि वो मजा नहीं आ रहा है, वो दिखने में वैसा नहीं लग रहा जैसा हम इमेजिन करते थे। बहुत लोग मुझे कहते हैं मॉडल फ्लैट की तरह मेरा घर नहीं दिखता, मॉडल फ्लैट जब देखा था हमने बहुत सुंदर था और उसी बिल्डिंग में हमने जब घर बनाया तो वो वैसा नहीं दिखता है। तो इसमें आपको ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीजें उसी से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 20x20 ही मैंने लिया ताकि वो सीमलेस हो जाए, उसका हाइट जो है वो इक्वल हो जाए, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान दोगे बारीकी से तो ही घर वैसा बनेगा। अगर आपका ड्रीम है कि मेरा घर वैसा बने, वाओ वाला, अगर नहीं नॉर्मली घर आपको चाहिए तब तो जो आप सजाएंगे जो आप रखेंगे वो उसी से मेमोरीज आएगी और घर सुंदर लगेगा। पर इनकेस इफ यू वॉन्ट कि हाउ वाओ फैक्टर कैसे आता है, तो हर एक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, घर के कारकस से लेकर के एंड फर्निशिंग तक। रात को ही मैंने ये राजमा सोक करने को दे दिया था, मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में सोक कर दिया था, मुझे लगा ज्यादा करके बना दूंगी तो अच्छा रहेगा, पर ये बहुत ज्यादा हो गया है। इंसान गौर से देखिए, आज मेरा कैमरा आपको फॉलो करेगा क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे से ये फ्री हो जाते हैं दो दिन के लिए। तो मैं आपको हायर कर रही हूँ अपने व्लॉग के लिए। बनाइए आपको हायर किया, और आपको मैंने सिर्फ व्लॉग के लिए हायर नहीं किया सर, मैंने ओवरऑल हायर किया आपको। ये क्या होता है ओवरऑल हायर, मतलब घर का काम करवाने के लिए ओवरऑल हायर। अभी तो पिछला हफ्ता किया था क्लीनिंग पूरा, पिछला हफ्ता तुमने क्लीनिंग किया और पूरा हफ्ता मैंने क्लीनिंग किया, तो फिर से पिछला हफ्ता ये हफ्ता में कन्वर्ट हो गया, तो ये हफ्ता कौन क्लीनिंग करेगा? क्लीनिंग की हो मतलब पूरा हफ्ता क्लीन करने के बावजूद मुझे हाथ लगाना पड़ रहा है, इट इज नॉट गुड। तो तुम्हें क्या लगता है ये प्रोजेक्ट है जो एक बार करके सबमिट कर दिया काम निपट गया अपना लाइफ टाइम? एक जगह पे कोना पकड़ के बैठ जाओ, पूरा घर क्यों खराब करना है? कम क्या मतलब बहुत ज्यादा वाइट है ये ज्यादा और कम क्या होता है, वाइट वाइट होता है मतलब एकदम आंख चौक जाए ऐसा वाइट है ये, ठीक है? तो तो हुआ क्या था, खाना एलईडी नहीं लगाई, पर खाना बनाते वक्त बहुत डर लग रहा था मुझे कि गंदा हो जाएगा, और थोड़ा सा इसमें येलो दाग लग भी गया हल्दी का, वैसे उतना दिखेगा नहीं, पर मैं इतना डर गई ना कि मैंने सोचा कि इनको बिना बताए सबसे पहले इसमें वैनिश लगाऊंगी
और इसको साफ कर दूंगी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वैनिश भी लगाया, उसके बाद उसको थोड़ा सा सूखने दिया उस पोर्शन को। अब तक मैंने कुछ और पहना हुआ था, सोचिए आप खौफ सोचिए मेरा कितना है कि मुझे ताना मारेंगे। फिर उसके बाद ये सूख गया, फिर से मैंने इसको फट से पहन लिया। ये हाल है मेरा, क्योंकि मुझे खराब कर देगा तो मुझे डर तो लगना ही चाहिए बिल्कुल। अभी खाना बनाते वक्त गिर, वाह अभी क्या हुआ पता है आपको? यही होता है जब इंसान दूसरों की बुराई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है ना, तो अपनी लाइफ को खराब बनाता है। इनका पूरा ध्यान मेरे पे है कि मेरे को सुनाए, पूरा का पूरा अभी ना चाय का बर्तन पलट जाता, पर चाय नहीं था उसमें लकीली। अपने कांड को ये नहीं बताएंगे, मेरा कांड को बस हाईलाइट करते रहते हैं। फ्राइडे वीकेंड आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ पता नहीं मुझे, जबकि वही होने वाला है जो हर बारी होता है। घर पे खाना बनेगा, घर पे ही काम करना पड़ेगा, घर पे ही रहना पड़ेगा, है ना। कुछ स्पेशल तो होने वाला है नहीं, वैलेंटाइंस डे है फिर भी संडे को। संडे को है क्या? तुमको ये भी नहीं पता है? अच्छा संडे को है, मैं सोच रहा था ट्यूसडे को है। हाँ संडे को नहीं है। आज क्या तारीख है? तो देखना पड़ेगा कोई दिन। ये आदमी से कुछ एक्सपेक्ट तारीख कुछ नहीं याद रहता। मैं इससे इसलिए कुछ, आप लोग काफी लोग पूछ रहे थे कि शोना आप क्या कर रहे हो वैलेंटाइंस डे में, कुछ बताना। देख रहे जिनको यही नहीं पता कि वैलेंटाइंस डे कब है क्या है, उससे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, हम लोग का कोई प्लान नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है। और वो जो बहुत लोग बोल रहे थे कि वो चिकी मिकी ड्रेस का क्या होने वाला है, आप पहन के बाहर जाने वाले थे, जाओगे नहीं जाओगे, तो मुझे अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है वो चिकी मिकी ड्रेस। हाँ लेकिन मैं पहनूंगी जरूर, मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं मैं 14 को वो ड्रेस जरूर पहनूंगी, है ना। कितना अच्छा लगेगा ना, एटलीस्ट एक दिन तो पहने। तो मेरा मस्त पिक्चर क्लिक कर देना, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी। ठीक है पक्का डालूंगी, आप लोग मुझे फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं उस पर जरूर एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे जरूर डालूंगी और अंगद जी क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा घी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च और बन गया। इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ये लीजिए आप बना सकते हैं। अभी तुम ना अंगद ये नया दायित्व ले लो। क्या? पहले तुमने सिर्फ चाय का दायित्व लिया। हाँ। अब चाय के साथ में तुम ऐसे कुछ शाम का ना स्नैक्स का भी दायित्व ले लो। अच्छा। इम्प्रूव करो, मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो तो अच्छा अप्रेजल होगा तुम्हारा। मेरा अप्रेजल? हाँ मैं करके दूंगी, मैं करके दूंगी अप्रेजल। मैनेजर नहीं देता है तुम सारा घी नहीं पड़ता है अंगद, तुम मखाना बना रहे हो, गाजर का हलवा नहीं? अरे तो थोड़ा ज्यादा मखाना बना दो ऐसा है तो। इतना एक काम इनको, एक काम दीजिए ना उसमें ही गड़बड़ कर देंगे। काम दोगे तो मैं, मेरे को क्वांटिटी का क्या है? तो तुमको लग रहा है इतना सारा घी में? अच्छा हेल्दी डाइट को ना तुमने ऐसा कर दिया, अभी कोई नहीं अब ज्यादा मखाना डालो। कहीं घी तो हेल्दी होता है, घी खाना ही चाहिए। मुझे लगता है डेढ़ से दो चम्मची घी जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो जा चुका है ऑलरेडी राइस में और रोटी में। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एक्स्ट्रा हो गया। मतलब बता, मिल में डेढ़ दो डाल दो। मुझे लगता है ये जान करके इनका तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ कि काम ऐसा करने को, मतलब ऐसा करो कि आगे से सामने वाला कोई जिम्मेदारी ना दे। ये पर मैंने काम खराब थोड़ी ना किया, कर तो लो अब जो है कर लो। बनाया है अब इसमें पड़ेगा थोड़ा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का ये वाला, ये जो भी है काली मिर्च का, ये बॉटल थोड़ी ना डालनी है काली मिर्च का, ये नहीं नहीं मतलब ये डालना है क्रश ब्लैक पेपर। हाँ भूल गई थी मैं, बस अभी नहीं डालना था अंगद। अरे दो ही तो इंग्रेडिएंट्स है, कभी डालेगा आदमी? भगवान इतना तुमको उतावड़ापंती क्यों रहता है किचन में आते ही? नमक और ब्लैक पेपर डालना है बेटा तुमको, उसमें भी अभी नहीं और बाद में। कुकिंग का एक तरीका होता है, तुमको मैंने सिखाया है ना? नहीं होता, सब एक साथ डाल दो। ओ नो हमारी कढ़ाई है स्टील वाली, इसका हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं सिर्फ मखाना फ्राई करने के लिए। ये इतना महंगा आया है उसमें हम महंगी चीजें ही बनाते हैं, सस्ता नहीं बनाते। ये पूरा पैसा वेस्ट हो गया क्योंकि मेरा इसमें ज्यादा कुछ कुकिंग नहीं होता। मैंने ना एक्साइटमेंट में एक साथ दो ले लिया था, मुझे पहले एक लेकर देखना चाहिए था कि एम आई कम्फर्टेबल विद स्टील और नॉट, है ना। हाँ। फिर ही मुझे स्पेंड करना चाहिए था। yes. तो तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? मैंने रोका था, क्या बोला था? दूसरा लिया था क्योंकि उस पे ढक्कन आ रहा था। लो देखो हो गया ना फ्री, इसलिए कहते हैं फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हो गया ना नुकसान अपना अभी इतना रुपए का। कोई नहीं हम इसमें मखाना फ्राई करेंगे, एटलीस्ट वो तो पैसा वसूले। ऐसे कौन करता है? हम लोग दोनों ना दिन भर बहुत काम में रहते हैं, ठीक है। तो मैं, आप देखते ही वो सुबह से क्या रूटीन रहता है, ये भी एकदम बिजी रहते हैं। उसके बाद जब ये 5 बजे ऑफिस के चंगुल से बाहर निकलते हैं, फिर ये मेरे चंगुल में फंस जाते हैं। और उसके बाद ये तो मेरी टांग खींचते खींचते है, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी छोड़ती नहीं हूँ, मैं भी बहुत टांग खींचती हूँ। और पता है ऐसी हमारा मनोरंजन हो जाता है, फिर हमें ऐसा फील नहीं होता कई बार कि कोई और नहीं मिलने आ रहा है या कहीं और हम किसी से मिलने नहीं जा रहे, ऐसी हम दोनों का टाइम पास हो जाता है। लेना चाहिए थोड़ा अंदर का बड़ा निकालने के लिए।
नहीं, झगड़ा का भड़ास भी सच में ये मुझ पे निकालते हैं। मैं कभी झगड़ती हूँ? सच बताना तुम्हें एक बात, मैं झगड़ा करती हूँ? देखो ये सब सवाल पतियों से नहीं पूछा जाता है, वरना झगड़ा हो जाता है। प्लीज एटलीस्ट एक हफ्ता रहने दो अंगद, अच्छा होने आए तो। मेरे को क्यों सुना रही हो? मैं क्या होली का रंग लेके आया हूँ क्या? कौन कौन है जिसे फ्रेंड्स देखना अच्छा लगता है, या फिर फ्रेंड्स उनका एक गो टू वाला सीरीज है? जब कुछ समझ नहीं आए तो फ्रेंड्स लगाते हैं, हम दोनों उनमें से एक हैं। जब कुछ भी समझ नहीं आए, क्या देखा जाए, कोई भी सीरीज, कोई भी मूवी पसंद आए, तो कोई भी एक रैंडम एपिसोड प्ले कर दीजिए और अच्छा लगता है। हाउ आई विश कि इसमें स्मॉल वंडर भी होता, बहुत ज्यादा मेरा मन करता है स्मॉल वंडर देखने का। मैं कई बार ऐसे यूट्यूब में सर्च करके देख लेती हूँ, बट पूरा का पूरा एपिसोड होता तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो आई थिंक अंगद तुम भी ना हाँ आई थिंक उस जमाने के सारे बच्चे स्मॉल वंडर तो देखते ही होंगे। एट अ स्ट्रेच कम से कम 3-4 एपिसोड फ्रेंड्स के देख डाले, फिर कई बार तो फिर ऐसा हो जाता है ना कि एक के बाद देखते रहिए, और कई तो ऐसे हैं जो बहुत बारी देखा है, फिर भी इतना अच्छा लगता है देखने में ना कि अच्छा खासा हो जाता है टाइम पास। फिर बोला चलो ठीक है जाते हैं, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, क्योंकि आज सीधा शाम को चाय के बाद बैठ के देखने के लिए और उठे ही नहीं, वरना जनरली हम लोग चाय के 10 मिनट के बाद जाते हैं वॉक करने। वैसे तो अंधेरा हो गया, पर ठीक है, अब थोड़ा सा समर आ गया है तो उतनी ठंड लगती नहीं है। पहले तो शाम को जाना मतलब कि पूरा जैकेट वैकेट डाल के जाइए, पर अब ऐसे ही वॉक कर सकते हैं। तो वे भी हाफ एन आवर के लिए थोड़ा बहुत वॉक करेंगे, और उसके बाद आज मन कर रहा है कि कुछ ना बनाऊं, मतलब ब्रेक लूं खाना बनाने से, क्योंकि पूरे वीक घर पे ही खाना बना, कहीं गए नहीं, कुछ किया नहीं, तो सोच रहे हैं कि कुछ मंगवा लेते हैं बाहर। तो डिनर भी आ गया है, और चलिए इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरे साथ ये दिन बिता करके अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।